इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू आज की रात बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। तेहरान से तेल अवीव तक मीटिंग हो रही है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐसा ऑर्डर दे दिया है कि नेतन्याहू के विरोधी भी बोल रहे हैं कि इसराइल में बगावत का वायरस फैल चुका है। אין אף אחד שמחויב לשחרור חטופים יותר ממני. אין אף אחד שנלחם עבור שחרור חטופים, וגם נפצעתי בשחרור חטופים. אף אחד שלא ייתן לי, יטיף לי בעניין. इजराइल के राष्ट्रपति बेन्यामिन नेतन्याहू तमतमाए हुए हैं, गुस्से से भरे हैं। बंधक बनाए 6 इजराइलियों की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हजारों लोग सड़क पर उतर आए, उसी के बाद नेतन्याहू का ये बयान आया है। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, खून से लथपथ दिखाने के लिए शरीर पर लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रतीकात्मक बंधक हैं, जिन्हें हमास ने पिछले साल अक्टूबर में इसराइल में घुसकर कब्जे में ले लिया। अब इनमें से ही 6 लोगों की मौत की खबर आई है। पूरे इसराइल में खलबली मच गई है। They prefer to deal with Hamas, give them money, build their tunnels and not release Israeli citizens that pay the taxes here, that serve in the army, that are working in the fields, that are doing everything that they can to build up this country, but they just don't give a damn about them. So I think if somebody needs to do it, it's us, the people. We don't have any choice. We have to do what the government is not able to do. They don't want to. They prefer the seats in the Knesset. They prefer the religious partners in the government. And they don't care about people that really live here and care about this country. घर में ही घिर गए प्रधानमंत्री नेतन्याहू। 6 बंधकों की हत्या से इसराइल में कोहराम। प्रदर्शनकारियों की मांग, नेतन्याहू दे इस्तीफा। ये पहली बार नहीं हुआ जब गाजा में आग उगलती इसराइल की तोपों की तरह ही इसराइल के भीतर लोग नेतन्याहू के खिलाफ आग उगलने लगे हैं। दोनों में फर्क बस इतना है कि गाजा में लाशें बिछ रही हैं और इसराइल में नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा जा रहा है। 6 बंधकों के मृत पाए जाने के बाद इसराइल के हजारों लोग शोक में डूब गए। पीड़ित परिवारों और ज्यादातर लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दोषी ठहराया और कहा कि लगभग 11 महीने पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए हमास के साथ समझौते के माध्यम से उन्हें जिंदा वापस लाया जा सकता था। It seems like they forgot the Israeli ethics, that means mutual dependence on each other, mutual reliance on each other. इसराइल के सबसे बड़े व्यापार संघ हिस्तादरुत ने सोमवार को आम हड़ताल का आह्वान किया था, जो युद्ध की शुरुआत के बाद पहली हड़ताल थी। इसका मकसद बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और देश के मुख्य एयरपोर्ट सहित अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को बंद करना या बाधित करना था। नेतन्याहू उस प्रदर्शन से बौखलाए दिखे। नेतन्याहू मानकर चल रहे थे कि उनकी हमास के खिलाफ जंग की रणनीति सही ट्रैक पर है। इसराइल के भीतर भी लोग कम नहीं हैं जो हमास पर लगातार सैन्य दबाव बनाए रखने की नेतन्याहू की रणनीति का समर्थन करते हैं, लेकिन अब इन लोगों का भी सब्र टूट रहा है क्योंकि युद्ध लंबा खिंच रहा है और बंधक संकट ज्यों का त्यों है। מחטופינו בדם קר. אז אחרי הרצח הנורא הזה, אני לא מאמין שמישהו יבוא, מישהו רציני יבוא ויגיד, עכשיו תעשו עוד ויתורים, אתם לא רציניים, החמאס רציני. אני לא מאמין שהדבר הזה קיים. לא מאמין שמישהו חושב את זה, באמת. ואני לא מאמין שהנשיא ביידן באמת אמר. इसराइल के कई शहरों में पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़ गए। 5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इसराइल में इस प्रदर्शन ने फिर वो सवाल खड़ा कर दिया है कि नेतन्याहू हमास के अंत के लिए लड़ रहे हैं या बंधक बनाए अपने नागरिकों की रिहाई के लिए। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर
बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नेतन्याहू अगर जंग रोकने का समझौता कर लेते तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था। नेतन्याहू राजनीतिक वजहों से समझौता करना नहीं चाहते। Find the end of the war in Gaza. In Gaza. When Hamas no longer rules Gaza. We throw them out. I would define the end of the war in World War II when the Nazis no longer ruled Germany. To do that, you need to have a military victory and you have to have also the political victory to destroy their governance. We're out to destroy the military capabilities of Hamas and the governing capabilities of Hamas, and we're well on our way to achieving both. That is total victory. गाजा में इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद हमास ने इजरायल के लिए चेतावनी जारी की है। हमास ने कहा कि अगर इजरायल की सेना ने उन पर दबाव बनाना बंद नहीं किया तो वो बंधकों को ताबूतों में रखकर इजरायल भेजेंगे। हमास ने धमकी देते हुए कहा कि इसके लिए वो अपने लड़ाकों को आदेश भी दे चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि अगर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिना समझौते के सैन्य दबाव बनाकर बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें ताबूत में रखकर लौटाएंगे। अब फैसला परिजनों के हाथ में है कि वो बंधकों को जिंदा वापस चाहते हैं या उनके शव। हमास ने कहा कि बंधकों की मौत के लिए नेतन्याहू और उनकी सेना जिम्मेदार है। 31 अगस्त को इसराइल को गाजा में हमास की सुरंगों में 6 बंधकों के शव मिले थे। इजरायली सेना IDF ने बताया कि सैनिकों के वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही हमास ने इन बंधकों को बर्बरता के साथ मार डाला। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक उन्हें इलाके में 6 बंधकों के मौजूद होने की खबर मिली थी। इस वजह से सेना बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही थी। इस बीच उन्हें हमास की एक सुरंग का पता चला। यहां छानबीन के दौरान बंधकों के शव बरामद हुए। हमास ने इसराइल के कुल 251 नागरिकों को बंधक बनाया था। इनमें से 97 अब भी हमास की कैद में है। 105 बंधकों को पिछले साल नवंबर में हुए सीजफायर में रिहा कर दिया गया था। वहीं करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है। नेतन्याहू अपनी जनता से माफी मांग रहे हैं कि वो बंधकों को बचा नहीं पाए, लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में इस वक्त हमास को खोलते कड़ाही में तलने वाला प्लान भी चल रहा है। नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि जब तक हमास के अंतिम आतंकी का खात्मा नहीं हो जाता वो जंग नहीं रोकने वाले, लेकिन 11 महीनों के युद्ध में हमास तबाह जरूर हो रहा है पर घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं हो रहा। अब तक जिन बंधकों की रिहाई के नाम पर इजरायल ने गाजा पर हमला किया उन बंधकों को ही हमास मौत के घाट उतार रहा है। 6 बंधकों की हत्या की खबर उस वक्त आई है जब नेतन्याहू गाजा में इजरायली बंधकों की जान बचाने की बजाय गाजा और मिस्र के बीच सीमा पर रणनीतिक गलियारे पर इजरायली सैनिकों को बनाए रखने को प्राथमिकता देने का फैसला किया। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली सैनिकों की मौजूदगी बनाए रखने के नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच वाक युद्ध छिड़ गया था। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर एक संकरी भूमि पट्टी का इजरायली कोड नाम है जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है जो गाजा पट्टी और मिस्र के बीच की सीमा पर स्थित है। 2005 में गाजा पट्टी से इजरायल के एक तरफा अलगाव के बाद मिस्र के साथ फिलाडेल्फी समझौता संपन्न हुआ जिसने मिस्र को मिस्र की ओर से सीमा पर गश्त करने के लिए मार्ग पर 750 सीमा रक्षकों को तैनात करने का अधिकार दिया। हमास के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन है। इसकी नीचे की सुरंगों का उपयोग हथियार, ईंधन, भोजन और दूसरी जरूरी आपूर्ति लाने के लिए किया जाता है जो गाजा में इसके सैन्य अभियानों और नागरिक शासन दोनों को बनाए रखते हैं। ये तस्करी नेटवर्क हमास को इजरायली नाकाबंदी को बायपास करने में मदद करता है जो गाजा में माल की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है। नेतन्याहू अब आगे क्या करते हैं इस पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि हमास अब भी पूरे ताव से नेतन्याहू को आंखें ही नहीं दिखा रहा बल्कि इजरायली नागरिकों को मौत की नींद भी सुला रहा है।